कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग कलर OS 6 से कलर OS 7 में किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि दोस्तों कि कलर OS 7 में हमारा डिवाइस जो है अपडेट नहीं हो रहा है, हमें कलर OS 7 अपडेट नहीं मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कलर OS 7 में आपको अपडेट किस तरीके से करना है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे हाथ में है दो डिवाइस। यहाँ पर मेरे पास है ओप्पो रेनो 2 एक तरफ, और यहाँ पर देख सकते हैं ये ओप्पो का है A9 2020 मॉडल। तो दोनों मॉडल मेरे पास है, अभी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ओप्पो रेनो 2 है, ये मैंने पहले से ही इसको कलर OS 7 में अपडेट करके रखा हुआ है। एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर जाके सॉफ्टवेयर अपडेट्स में। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा डिवाइस जो है पहले से कलर OS 7 में अपडेटेड है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस डिवाइस में आप लोगों को कलर OS 7 में अपडेट करके दिखाने वाला हूं, और किस तरीके से अपडेट होगा पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस समय जो ये डिवाइस है वो कलर OS 6 पे रन कर रहा है। आप लोगों को मैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स में लेके चलता हूं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जा रहा हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये कलर OS 6 में अपडेटेड है। तो अब जो है इसको हमें कलर OS 7 में किस तरीके से अपडेट करना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी अपडेट्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी अपडेट शो नहीं करेगा। आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ट्रायल वर्ज़न। इस ट्रायल वर्ज़न पर आप जैसे ही जाएंगे, तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का आपको दिखाई देगा अपने डिवाइस में। आप लोग जाकर देख सकते हैं, अपडेट टू कलर OS 7 ऑफिशियल वर्ज़न। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करते ही आप लोगों को इधर ईमेल आईडी यहाँ पर और या फिर मोबाइल नंबर मांगेगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पर अभी अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। सो दोस्तों, मैंने अपनी ईमेल आईडी इसमें डाल दिया, और आप लोग देख सकते हैं ये पूरा अपडेट्स का जितना भी चीज़ जो चीज़ें अपडेट होने वाली है, और अपडेट होने के बाद आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलेगी वो सारी चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है, आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, आप लोग को यहाँ पर कर देना है, और यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ करेंगे, तो ये देखिए आप सक्सेस हो चुका है। आपको इसको फिनिश कर लेना डायरेक्टली जाके। अब जो है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा आपके डिवाइस में कलर OS 7 अपडेट, और आप लोग देख सकते हैं कलर OS 7.1 का अपडेट अब मेरे डिवाइस में शो कर रहा है। तो जस्ट आपको यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है, और ये मेरा जो है कलर OS 7 अभी यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, कलर OS 7.1। तो हम लोग वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड होता है। तो दोस्तों, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है कलर OS 7.1 सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है, और यहाँ पर अपडेट नाउ का ऑप्शन हमारे पास में आ गया है। तो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ इसको कलर OS 7.1 में अपडेट करने, और अभी आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल जो है कुछ इस तरीके से का अभी यहाँ पर दिखाई देता है कलर OS 6 में, और जैसे ही हम कलर OS 7.1 में इसको अपडेट करेंगे तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी अपडेट नाउ का ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए अब इसको हम अपडेट कर लेते हैं, और मैंने अपडेट पे क्लिक किया। अभी ये वेरीफाई कर रहा है, और वेरीफाई होने के बाद ऑटोमेटिकली जो है फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा और अपडेट होना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शो हो रहा है अपडेटिंग, प्लीज़ वेट, प्लीज़ डू नॉट डू एनी अदर ऑपरेशन। तो हम लोग को वेट करना है अपडेट होने का, और अपडेट होने के बाद आप लोग को मैं दिखाऊंगा किस तरीके का स्मार्टफोन हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर जो अभी साइड में मेरे पास ओप्पो रेनो 2 है, ये पहले से ही कलर OS 7 में अपडेटेड है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस होने वाला है इस स्मार्टफोन का भी, जब हम इसको अपडेट कर लेंगे। तो जो इंटरफेस है बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा जैसा आपको स्मार्टफोन अभी यहाँ पर बगल में दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम लोग वेट करते हैं।
सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा जो स्मार्टफोन है वो कलर OS 7.1 में यहाँ पर अपडेट हो गया है। हम लोगों ने वेट किया, पूरा अपडेट हो चुका है। तो अब जल्दी से मैं ये पासवर्ड डाल के इस स्मार्टफोन को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने स्मार्टफोन को ओपन कर लिया है पासवर्ड डाल के, और अब चेक करते हैं इसके नोटिफिकेशन बार किस तरीके का शो करता है और अब जो है ये कलर OS 7 में अपडेट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ब्राइटनेस मैं थोड़ी कम करता हूँ इसकी, जो आप लोग आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन बार है हमारा बिल्कुल चेंज हो गया, जैसा कि हमने अभी देखा था कलर OS 7 में जो हमने इसको अपडेट कर रखा है अपने ओप्पो रेनो 2 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सेम इसी की तरह इसका भी नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पर हमें मिल जाता है अब, और कलर OS 7 में ये भी अपडेट हो गया है। और दोस्तों आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ अंदर जाके सेटिंग में। तो अब हम लोग इसकी सेटिंग में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट्स आप लोग को एक बार मैं शो कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसकी सेटिंग ओपन कर ली है और चलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट्स में। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपका जो डिवाइस है वो अब कलर OS 7.1 में अपडेट हो गया है। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से जाना है और 7.1 में आपको अपडेट करना है, तो आपको कलर OS 6 से 7.1 में यहाँ छोटा सा सेटिंग मिलेगा उसमें जाना है और फिर ट्रायल वर्जन में जाकर अपडेट करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूँ, ट्रायल वर्जन में आपको अगर अपडेट नहीं दिखाई दे तो आप लोग जाकर चेक करते रहे, कभी ना कभी जो है स्पॉट खाली होता है और ट्रायल वर्जन आपको ज़रूर शो होगा, तब जाके आप इसको अपडेट कर लें। और अपडेट करते ही जो आपका डिवाइस है वो एंड्रॉयड 10 में भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से 6 से आप कलर OS 7.1 में अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो आप लोग ज़रूर नीचे से कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेक्नोरा नाम से आपको मिल जाएगा, टेक्नोरा जो है यूज़र नेम है मेरा इंस्टाग्राम का, आप लोग वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।